हर हर महादेव। आज त्रयोदशी का मंगलवार है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। आज का ये प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण है। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। कहते हैं कि भौम प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक वृद्ध स्त्री थी। वो भगवान शिव और हनुमान जी की परम भक्त थी। उनका एक बेटा था। एक दिन हनुमान जी ने उस बूढ़ी महिला की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप लिया और उस वृद्धा के घर के बाहर जाकर आवाज लगाई, कोई हनुमान भक्त है तो बाहर आए। क्या है कोई हनुमान भक्त जो आकर मेरी सहायता कर सके? साधु के रूप में हनुमान जी इस तरह से आवाज लगाते रहे। जैसे ही उनकी आवाज उस वृद्ध महिला के कानों में पड़ी, वो घर से तुरंत बाहर आ गई और उसने साधु के वेश में हनुमान जी को प्रणाम किया। साधु ने उस महिला से कहा, माता हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये सुनते ही महिला खाना लेने के लिए घर के अंदर जाने लगी। तब साधु महाराज महिला से बोले, रुको, तुम जो भोजन लेने जा रही हो वो हमारे किसी काम का नहीं, हम तो तुम्हारे बेटे की पीठ पर बना हुआ भोजन ही ग्रहण करेंगे। साधु महाराज की ये बात सुनते ही उस वृद्धा को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन वो संत भगवान को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने बेटे को बुला लिया और साधु महाराज के हवाले कर दिया। साधु ने उस बेटे को लिटाकर उसकी पीठ पर आग जला दी और फिर उस पर भोजन पकाना आरंभ कर दिया। वृद्धा ये देख ना सकी और घर के अंदर लौट गई। थोड़ी देर बाद साधु ने जब भोजन पका लिया तो उसने वृद्धा को आवाज लगाकर बाहर बुलाया। वृद्धा का रो रोकर बुरा हाल था। तब साधु महाराज ने उस वृद्धा से कहा, माता अपने बेटे को आवाज तो लगाओ, मैं उसके साथ ही भोजन करूंगा। यह सुनकर वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि भोजन बनाने के लिए उसने खुद ही तो अपने बेटे को साधु महाराज के हवाले किया था। लेकिन फिर भी जब वो साधु बार बार कहने लगे तो वृद्धा ने अपने बेटे को आवाज लगाई और ये क्या, आवाज सुनते ही उसका बेटा जीवित हो गया और उसके पास दौड़कर चला आया। ये देखकर वो समझ गई कि ये साधु कोई आम साधु नहीं है और तब हनुमान जी ने अपने स्वरूप में आकर उस वृद्धा और उसके पुत्र को आशीर्वाद दिया। तभी से भौम प्रदोष व्रत को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। आज किए गए इस भौम प्रदोष व्रत से मंगल ग्रह के सभी प्रकोप दूर होते हैं और भगवान शिव के साथ हनुमान जी की कृपा भी बरसती है। जय बजरंगबली।